दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हसन रजा पर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आपके फोन में बैक साइड में फिंगरप्रिंट है या फिर साइड में फिंगरप्रिंट है। आपको चाहिए यहाँ पे डिजिटल फिंगरप्रिंट, आपके फोन पर नहीं आती है तो आप किस तरीके से इस टाइप से लॉक खोल पाएंगे आपका फिंगरप्रिंट लगा कर आपकी स्क्रीन पर, तो कैसे करना होगा ये कमाल की सीक्रेट ट्रिक सीखने के लिए आपको ये वीडियो आज की देखनी पड़ेगी। दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना इतनी कमाल की वीडियो को, चलिए ट्रिक को सीख ले। तरीके से आप आपके यहाँ पर डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक को लगा पाएंगे और यूज कर पाएंगे आपके फिंगरप्रिंट लॉक को। अगर आपके पास साइड वाला लॉक है या फिर बैक वाला फिंगरप्रिंट लॉक है पर आप डिस्प्ले पर नहीं लगा पाते हो, आपका फिंगरप्रिंट थंब और लॉक नहीं खोल पाते हो, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास MI का फोन है या फिर Redmi का फोन है या फिर Realme का फोन है या फिर Oppo का कोई भी फोन हुआ, उन फोनों के अंदर बहुत आसान है और Samsung इन सभी फोन के अंदर ये फिंगरप्रिंट लगाना बहुत आसान है। तो सिंपल सा करना क्या होगा, आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली एप्लीकेशन है वॉलपेपर चेंजर, और एक खास ट्रिक है अगर आपके इसमें ये सिस्टम नहीं वर्क करता है तो आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे थंब लॉक को, ठीक है, थंब फिंगरप्रिंट लॉक को, तो यहाँ पे हम बताने वाले। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फिंगरप्रिंट के कुछ और ऐसे अट्रैक्टिव इफेक्ट्स कैसे लगाने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है। सिंपल सा यहाँ पे आपको आपका फेस लॉक को लगाना होगा। सबसे पहला स्टेप है हमारा, यहाँ पर आपको जाना होगा लॉक पर। लॉक पे जाने के बाद यहाँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाना होगा। यहाँ पे आपका थंब ये वाला एक्टिव होगा तो इसको ऑफ कर देना। यहाँ पे फेस अनलॉक है, इस पे आपको जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको आपका पैटर्न डाल लेना, यहाँ पे आपका आपका फेस को कैप्चर कर लेना है। सबसे पहले कुछ इस तरीके से आएगा आपका फेस डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। अब यहाँ पे हमारा ये फेस ले रहा है, ये हमारा इसने फेस ले चुका है। अब यहाँ पे ऐड पे डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद ये आपका फेस ले चुका है। भैया करना क्या है, तो सिंपल सा यहाँ पे स्क्रीन को इस तरीके से करना है। यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन आ जाएगा। ये MI और Oppo इन सभी के अंदर इनबिल्ड ऐप और वॉलपेपर की एक थीम आती है, तो वहां से आप प्री इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ थीम पे आ जाएंगे हम। थीम पे आने के बाद ऊपर सर्च कर लेंगे फिंगरप्रिंट हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको थीम के मोर के ऑप्शन पे जाना है। आप मोर के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स देखने को मिल जाएगी जो फिंगरप्रिंट लॉक की है और प्रॉपर वर्क करती है। तो सबसे अट्रैक्टिव और सबसे कमाल की जो हमें लगती है ये वाली थीम, तो इसे आप डाउनलोड कर ले। यहाँ पे हमने डाउनलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसके आइकन वाइकन सब कुछ चेंज हो जाएंगे, और आप चाहते हैं कि यार हमारे ये आइकन है बहुत ही अच्छे आइकन है, गूगल के आइकन देते हैं, आप इन आइकन को चेंज नहीं करना चाहते, तो आपको करना क्या होगा, आपको डाउनलोड कर लेनी होगी। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे आना होगा। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे कस्टम सेटिंग पे आना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर दिख रहा है लॉक टाइप्स पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको इस थीम को सेलेक्ट कर लेना है। थीम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई हो चुका है। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, मिनी वॉलपेपर। यहाँ से आप बहुत ही कमाल के अट्रैक्टिव वॉलपेपर को डाउनलोड करके लगा सकते हो और उससे आपका फोन बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा और बहुत ही अच्छा और स्मूथ दिखने लग जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा इसको डाउनलोड करेंगे। इन सभी एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो सिंपल सा ये हमारा डाउनलोड होके डन होके, अब इस वॉलपेपर को सेट करने के लिए हमें यहाँ पे गैलरी पे जाना पड़ेगा। गैलरी पे जाने के बाद ये वॉलपेपर हमने डाउनलोड करा था, इसको डाउनलोड करने का सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक करना, अप्लाई पे क्लिक करना, सेट बॉथ पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे ये हमारा वॉलपेपर लग चुका है। वॉलपेपर लगने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कमाल का हमारा फोन लग रहा है, और यहाँ पे अब लॉक देखे कितना कमाल का अट्रैक्टिव लग रहा है।
अब यहाँ पे इसके इफेक्ट चेंज करने हैं तो यहाँ पे सिंपल सा ऊपर की तरफ करना होगा। अब यहाँ पे आप जाएंगे, इस सेटिंग पर आएंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है कि आप आपका थंब को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे की तरफ कि कहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ पे डन कर दीजिए और यहाँ पे फिर से आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन दिया, फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया और बहुत कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और खास चीज बताता हूँ, इस लॉक प्रिंट के अंदर यहाँ पे हम जैसे ही चार्जिंग की पिन लगाएंगे ये एक कमाल की अट्रैक्टिव थंब के साथ देखने को मिलेगा। देखना, मैं यहाँ पे थंब क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये लॉक स्क्रीन खुल जाएगी, तो इस तरीके से करना होगा। अगर आपके अंदर ये वाली एप्लीकेशन नहीं है तो आप नहीं कर पाते हैं यहाँ पे होल्ड करके ये वॉलपेपर आना, ये एप्लीकेशन खुल जाना, तो ये नहीं आती है, तो आपको कैसे करना होगा? तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के अंदर जाना होगा। गूगल क्रोम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट लाइव वॉलपेपर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप ये बहुत सारे आ जाएंगे लाइव वॉलपेपर, तो उन लाइव वॉलपेपर को आप सेट कर लीजिए। सबसे बेहतर तरीका है डाउनलोड करने का पिंट्रस्ट के अंदर से कर सकते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद थी आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही कमाल की लगी होगी, तो फ्रेंड्स आप भी आपकी स्क्रीन पर लगाइए और इन्जॉय करिए फिंगरप्रिंट लॉक को। तो फ्रेंड्स इतनी कमाल की वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और पास में रिंग बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। We'll be right back.